माय नेम इज पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स। वर्ब्स मींस होती है क्रिया। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, देन उससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स मींस होते हैं क्रियाएं। ओके, तो देखिए वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ब इज अ वर्ब। Which describe the action or the state? Okay, state of the subject. ये होती है हमारी वर्ब की डेफिनेशन। मीन्स क्रिया वह है जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट में स्थिति एक्शन वगैरह के बारे में जानते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, क्रियाएं या फिर वर्ब्स। ओके, इसके टाइप कितने हैं। वर्ब इज टू टाइप। ओके, फर्स्ट इज मेन वर्ब, सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मीन्स जो सहायता करती है। ओके, वो होती है हमारी हेल्पिंग, और जो मुख्य होते हैं वो क्या होते हैं हमारी मेन। ओके, मुख्य मीन्स जैसे कि गो, डांस, राइट। ओके, देन स्टडी। ओके, तो इनकी थर्ड फॉर्म क्या बनी, देखिए गो, वेंट, गोन। ये होती है हमारी मेन वर्ब। ओके, डांस, डांस टू डांस, राइट, रोड, रिटर्न। ओके, स्टडी, स्टडी, स्टडी। ओके, ये होते हमारी स्टडी की। तो ये सब चीज होती है हमारी मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं इसकी, इज एम आर हैज, हैव, विल, डिड, डू, डज। ये क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो टेंस में काम आती है। ओके, तो देखिए वर्ब होती है हमारी क्रिया। एक बार शुरू से देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा वर्ब है, वह चीज है जिसके द्वारा हम सब्जेक्ट के स्थिति या फिर स्थान या फिर एक्शन वगैरह के बारे में जानते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारी क्रिया वर्ब। ओके, वर्ब के टू टाइप होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मुख्य होते हैं गो, डांस, राइट, स्टडी, बात या फिर ईटीसी। ओके, ये सब क्या होती है हमारी मेन वर्ब। और हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, डिड, डू, डज, वाज, वर। ओके, ये क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, सो दिस वीडियो इज वर्ब मींस क्रिया। थैंक्स।